नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी टीचर परीक्षा में होगा नई तकनीक का इस्तेमाल। जीडीपी सेक्टर में बिहार ने दिल्ली को पछाड़ा। हिंदी के सुपरिचित वरिष्ठ नाटककार और कवि रामेश्वर प्रेम का हुआ निधन। स्वच्छता पुरस्कार के लिए राज्य के 54 विद्यालय चयनित। सेकेंड T20 आई में इन 5 प्लेयर्स पर रहेंगे सभी की निगाहें। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी टीचर परीक्षा में होगा नई तकनीक का इस्तेमाल। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बीपीएससी टीचर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस परीक्षा को लेकर आयोग की तरफ से तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मालूम हो कि एग्जाम हॉल में प्रवेश लेने से पहले एडमिट कार्ड को स्कैन कर डेटाबेस से मिलान किया जाएगा और साथ ही अभ्यर्थी का फिंगरप्रिंट और आंख की पुतली का भी मिलान किया जाएगा। इसके बाद इस बायोमेट्रिक जानकारी को सुरक्षित रखा जाएगा और कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग वाली जगह पर भेजा जाएगा। मालूम हो कि नौकरी के दौरान जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी तो यह पहचान हो पाएगा कि जिसने परीक्षा दी थी वही नौकरी भी कर रहा है। इसके साथ ही परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले तक प्रवेश बंद हो जाएगा। सवाल सीधे एग्जाम हॉल अभ्यर्थियों के सामने खुलेंगे और फिर अंतिम में वहीं पर सील हो जाएंगे। 24, 25 और 26 को होने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में एग्जाम सेंटर पर कैमरे से चप्पा चप्पा पर निगरानी रखी जाएगी। पटना से बीपीएससी कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से एग्जाम हॉल की गतिविधियों का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। जीडीपी सेक्टर में बिहार ने दिल्ली को छोड़ा। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सेक्टर में बिहार के द्वारा बीते वर्ष शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2022-23 में बिहार की वृद्धि दर 10.64% रही, जो कि देश के प्रत्येक राज्य में सर्वाधिक है। मालूम हो कि पिछले वर्ष बिहार ने इस क्षेत्र में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन प्राथमिक सेक्टर में बेहतर काम करने के कारण बिहार ने इस सेक्टर में शानदार तरक्की हासिल की और बिहार ने 1.5 गुनी प्रगति की है। इस पर बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया कि स्थिर मूल्य पर बिहार ने सारे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। हमने विकास के लिए मापदंड बनाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर सेक्टर में सफलता हासिल की, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है। सिंगर हंसराज रघुवंशी ने भोजपुरी गाना गाने पर दी अपनी प्रतिक्रिया। मशहूर सूफी गायक हंसराज रघुवंशी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भोजपुरी गाना गाने और बिहार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार आकर बहुत अच्छा लग रहा है और वह इस प्रोग्राम के बाद पटना जरूर घूमेंगे, लेकिन इस दौरान में किसी को बताएंगे नहीं कि वह कहां जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भोजपुरी गाना गाने को लेकर कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह जरूर भोजपुरी गाना गाएंगे, क्योंकि उन्हें भोजपुरी सुनना अच्छा लगता है और भोजपुरी बिहार के लोक भाषा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंगर हंसराज रघुवंशी का यह कार्यक्रम सभागार में आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने भक्ति गानों से पूरे माहौल को शिवमय कर दिया। इस प्रोग्राम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पटना की मेयर सीता साहू, महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल सहित अन्य माननीय लोग ने भाग लिया। हिंदी के सुपरिचित वरिष्ठ नाटककार और कवि रामेश्वर प्रेम का हुआ निधन। 3 अप्रैल 1943 को निर्मली बिहार में जन्म हिंदी के सुपरिचित वरिष्ठ नाटककार और कवि रामेश्वर प्रेम का निधन हो गया है। ऐसे में इप्टा की राष्ट्रीय समिति के द्वारा रामेश्वर प्रेम को श्रद्धांजलि दी गई और कहा गया कि पूरा संगठन उनके निधन से मर्माहत है और उनका निधन हिंदी रंगमंच के लिए अपूर्णीय क्षति है। बता दें कि समिति के अध्यक्ष प्रसन्ना, कार्यकारी अध्यक्ष राकेश और महासचिव तनवीर अख्तर के द्वारा बयान जारी कर कहा गया है कि भारतीय जन नाट्य संघ राष्ट्रीय समिति हिंदी के सुपरिचित वरिष्ठ नाटककार और कवि रामेश्वर प्रेम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। कोचिंग संस्थान और स्कूल टाइमिंग को लेकर शिक्षा विभाग के आदेश पर डीएम ने दी राहत। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा फरमान जारी कर कहा गया था कि राज्य के कोई भी किसी भी तरह के कोचिंग संस्थान स्कूल टाइमिंग के दौरान संचालित नहीं होंगे। इसके बाद इस फैसले को लेकर कोचिंग संघ की तरफ से जोरदार हंगामा शुरू कर दिया गया। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर पटना डीएम के द्वारा बड़ा आदेश दिया गया है। बता दें कि पटना डीएम चंद्रशेखर ने कहा है कि जिले में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सुबह 9 से 4 बजे के बीच कोचिंग चलेंगे। हालांकि इस अवधि में चलने वाले कोचिंग में सरकारी स्कूलों के टीचर नहीं पढ़ाएंगे, इसके लिए विभाग को पत्र भेजा जा रहा है। पटना जंक्शन की तरह 3 फ्लोर का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होगा राजेंद्र नगर में। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कॉरिडोर 2 में आने वाले राजेंद्र नगर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी पटना जंक्शन की तरह ही 3 फ्लोर का होगा। यह मेट्रो स्टेशन आंशिक रूप से कंकड़बाग मेन रोड के नीचे और आंशिक रूप से राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन की पार्किंग के नीचे स्थित होगा। इसके बारे में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक इसके सबसे निचले फ्लोर पर प्लेटफॉर्म बनेगा, जबकि ऊपरी 2 फ्लोर पर टिकट काउंटर सहित अन्य यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही राजेंद्र नगर टर्मिनल परिसर में ही मेट्रो का प्रवेश निकास होने की वजह से राजधानी संपूर्ण क्रांति सहित महत्वपूर्ण ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को काफी आसानी होगी। बता दें कि नई दिल्ली स्टेशन के तर्ज पर राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर निकले बगैर ही रेल यात्री लंबी दूरी की ट्रेनों को पकड़ सकेंगे। डीएमआरसी के मुताबिक राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन की रेल पटरी जमीन से लगभग 21 मीटर नीचे होगी। स्टेशन में 2 प्रवेश और निकास द्वार होंगे, जिसमें से 1 प्रवेश निकास द्वार रेलवे परिसर के भीतर जबकि दूसरा रेलवे स्टेशन के दूसरी ओर कॉमर्स कॉलेज की ओर होगा, जो कि पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने में भी मददगार होगा।
सृजन घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे आरोपी फिर होंगे तलब। सृजन घोटाला मामले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया बीते शुक्रवार की शाम बेउर जेल वापस चली गई है, जिससे कि इस मामले से जुड़े अन्य आरोपी की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल जब एजेंसी के द्वारा कुछ को टारगेट किया गया है, जिनमें कुछ बिल्डर, लैंड ब्रोकर, बिजनेसमैन और सरकारी महकमे के कर्मचारी शामिल है। बता दें कि सीबीआई रजनी के सामने आरोपियों को बैठा कर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। वही सीबीआई अब रजनी से मिले इनपुट पर आगे की जाँच कर रही है। मालूम हो कि पूछताछ में रजनी ने कुछ लोगों के नाम भी बताए, जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फिलहाल जमानत पर हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जेल के अंदर हैं। इसके साथ ही रजनी प्रिया ने कुछ ऐसे भी नाम बताए हैं जिन्होंने सृजन से करोड़ों रुपए लिए थे, लेकिन फिर भी नामजद बनते बनते रह गए। ऐसे में अब यह संभव है कि रजनी प्रिया के द्वारा बताए गए नाम के व्यक्ति से सीबीआई द्वारा पूछताछ की जाए। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एजेंसी रजनी को एक बार फिर रिमांड पर ले सकती है। ऐसा करने के लिए एजेंसी कोर्ट में अर्जी की तैयारी। स्वच्छता पुरस्कार के लिए राज्य के 54 विद्यालय चयनित। राज्य के 54 विद्यालयों का चयन स्वच्छता पुरस्कार के लिए किया गया है। बता दें कि 54 विद्यालय राज्य के 21 जिलों से हैं। अब इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को 21 अगस्त को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि यह कार्यक्रम 21 अगस्त को चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के सभागार में आयोजित किया जाएगा। मालूम हो कि वर्ष 2022 से इसके लिए जिन स्कूलों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, उनमें पश्चिम चंपारण के पीएस रहुआ टोला, बेगूसराय के जीपीएस बेगूसराय, अनुसूचित जीएमएस मोहनपुर व यूएचएस खरमौली, पूर्णिया के पीएस ठाकुरपति व आदर्श शर्मानंद, एमएस करभन नौली, नवादा के एनपीएस केवल समेत कई स्कूल के नाम शामिल है। वहीं वर्ष 2021-22 के लिए जिन स्कूलों को पुरस्कार दिया जाएगा, उनमें नवादा का प्लस टू हेमजा भारत, बेगूसराय के यूएचएस बादलपुर व जीएमएस तरवाना, पूर्णिया के एमएस उफ्रैल समेत कई नाम शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पहुंची नवादा। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के नवादा पहुंची। ऐसे में उन्हें देखने के लिए कार्यक्रम में फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे संभालना प्रशासन के उच्च अधिकारियों और पुलिस के द्वारा मुश्किल था। वहीं शिल्पा शेट्टी ने लोगों के साथ काफी बातचीत और मौज मस्ती भी की। बता दें कि मंच पर आते ही शिल्पा शेट्टी के द्वारा सबसे पहले कहा गया कि कैसन बा, बहुत अच्छा लग रहा है नवादा में आकर। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं पहली बार नवादा आई हूं, पर ऐसा लग रहा है कि बार बार यहां आना पड़ेगा। बिहार के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, बस एक गाने की वजह से इतना सारा प्यार मिला है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही आप मुझे बिहार के थिएटर में देखोगे एक बहुत ही खूबसूरत पारिवारिक फिल्म के साथ। इसी बीच उनके फैंस ने उनसे मैं आई हूँ यूपी बिहार लूट गाना गाने और उस पर कुछ स्टेप्स करने का आग्रह किया। तब उन्होंने मंच के नीचे उनके गाने पर झूम रही दो युवतियों को मंच पर आमंत्रित किया और कहा कि यहां आकर मेरे साथ डांस करो। इसके बाद उन्होंने इस गाने पर जमकर डांस किया। पटना हावड़ा वंदे भारत को इस सप्ताह पीएम मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। बहुत जल्दी बिहार वासियों को पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी अलग अलग तारीख की चर्चा की जा रही है, जिसमें 25 अगस्त से वंदे भारत शुरू होने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक पटना हावड़ा वंदे भारत का ट्रायल रन 2 बार हो चुका है। इस दौरान ट्रेन का ठहराव प्रायोगिक ठहराव पटना साहिब, मोकामा, लखीसराय, जसीडीह और आसनसोल पर हुआ था। मालूम हो कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 25 अगस्त को पीएम मोदी पटना हावड़ा सहित एक और वंदे भारत जो हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच चलेगी, दोनों को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। हालांकि अब तक वंदे भारत का शेड्यूल तय नहीं किया गया है, इसलिए शेड्यूल तय किए जाने के बाद ट्रेन चलाने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। गठबंधन इंडिया में अब सहयोगी दलों के तरफ से सीट बंटवारे की उठने लगी मांग। विपक्षी दलों की नई 21 दलों की गठबंधन इंडिया में शामिल एक प्रमुख दल भाकपा यानी कि सीपीआई के तरफ से 40-45 सीटों पर अपनी तरफ से दावा ठोका गया है। वहीं इसके अलावा बिहार लोकसभा सीटों में से भी 20 सीटों पर इन्होंने अपना प्रभाव बताया है। बता दें कि सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान के द्वारा कहा गया है कि हम देश भर में 40-45 सीट की मांग करेंगे और राज्य स्तर पर समय आने पर इसका खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल बिहार में 20 सीटों पर हमारा मुख्य तौर पर प्रभाव है। ऐसे में अगर समय आने पर यह संख्या बढ़ेगी तो इसका खुलासा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में राजनीतिक दलों को प्रभाव के हिसाब से समायोजित किया जाए। अमित शाह ने बिहार बीजेपी के एमएलए एमएलसी को सौंपा टास्क। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से चुनाव की तारीख की घोषणा करने से पहले ही कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में अब अमित शाह के द्वारा बाकी सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए बिहार बीजेपी के विधायक और विधान पार्षदों को एक बड़ा टास्क सौंपा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बीजेपी के कुल 106 विधायकों और विधान पार्षदों को एक एक सीट की जिम्मेदारी दी गई है। अब लोग यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा सीट से दावेदारों का पैनल तैयार कर रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और फिर इसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर ही नस्ल टिकटों का बंटवारा किया जाएगा, बल्कि उस क्षेत्र में चुनाव कैसे लड़ना है यह भी तय किया जाएगा। वहीं अगली कड़ी में बिहार बीजेपी के विधायकों और विधान पार्षदों को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर ललन सिंह का जवाब। इन दिनों बिहार की राजनीति दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर काफी गरमाई हुई है। बता दें कि अब इस पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दरभंगा एम्स का निर्माण नहीं करवाना चाहती है, वह सिर्फ इस पर राजनीति करना चाहती है। दरभंगा में एम्स मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाए यह बिहार के मुख्यमंत्री की पसंद है। राज्य सरकार ने इसके लिए जमीन तो मंजूर कर दी, लेकिन केंद्र एम्स बनाना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर राज्य सरकार की ओर से जो जमीन दी गई है, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा है कि इसका निरीक्षण कर ले, वहां जाने के लिए राज्य सरकार
सरकार ने 4 लेन सड़क बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उस जमीन पर मिट्टी भराई के लिए सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है और साथ ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज को भी अपग्रेड करने के लिए 1000 करोड़ की स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो और दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित हो, लेकिन केंद्र को अब इस पर राजनीति करनी है। सेकेंड T20 में इन 5 प्लेयर्स पर रहेंगे सभी की निगाहें। आज भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है। ऐसे में आज भारतीय टीम के 5 प्लेयर्स पर सभी की निगाहें टिकी रहने वाली हैं, जिनमें जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल और रवि बिश्नोई के नाम शामिल हैं। मालूम हो कि कमबैक मुकाबले में जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने जमकर कहर बरपाया, तो वहीं रवि बिश्नोई की फिरकी भी भारतीय टीम के बेहतर काम आए। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह जैसे युवा बल्लेबाजों के पास खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर है। आज के मैच में जसप्रीत बुमराह अपना लय कायम रखना चाहेंगे, तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा भी दूसरे T20 मुकाबले में अपनी गेंदबाजी सभी को दिखाने वाले हैं। ऐसे में आज का मैच बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.36 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.95 रुपए और डीजल 94.68 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.64 रुपए और डीजल कीमत 95.32 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 107.94 रुपए और डीजल कीमत 94.69 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.73 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.34 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, मोटू रंगीला, सदुल्ला पलवी, उमेश ऋषिदेव, कमलेश शर्मा, नुनू गोलू कुमार, कन्हैया कुमार, जमशेर आलम, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, रोशनी खातून, हलीश्वर कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, त्रिलोक कुमार, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले दूसरे T20 मैच में कौन जीतेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।